इसका जो ये है जी, ये इसका होता है मेन डेप्थ स्टिक। जैसे पहले जो हम हल के अंदर जो चलाते थे ना कि हमें कितनी गहराई तक की जुताई करनी है, वो सब सारा सारा यहीं से सेट होता है। अच्छा, तो इसके अंदर देखो सारे अलग 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 होल दिए हैं कि किस पोजीशन के ऊपर आपको रखना, जी कितनी गहरी जुताई करनी है वो आप इससे ही कर सकते हैं। जी किसान साथियों, जो सबसे मेन बात है वो इसके पोजीशन की है, किस तरह इसको पिन लगाया जाता है, वो सारा कुछ है। अभी भाई आप ये बताओ। जी जी साहब, ये जो मुड़ा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, ये कंपनी का फॉल्ट तो है नहीं, इसका कुछ यूज है? सर यूज है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा इसकी जो चोंच है, नीचे चोंच है, ये चोंच है, हाँ। और इस साइड ये अप है, अप है, एक साइड डाउन है बिल्कुल, तो इसका भी यूज है, हाँ। क्योंकि साधारणतः किसान साथियों को या जो भी इसको यूज कर रहा है उसको यही नहीं पता होता कि इसको यूज लगाए कैसे। बिल्कुल साहब, तो ये क्या है इसका, एक बार मेरे को सारा बताओ। इसका मैं फंक्शन बता देता हूँ। जहाँ पर मेरे किसान भाइयों की जमीन बहुत हार्ड है वहाँ पर आप इसको पलट करके लगा देंगे। इसे एक बार निकाल के दिखा दो मेरे को, निकाल के दिखा देते हैं। ये लो जी, उस टाइम के ऊपर हमें जहाँ पर ज्यादा हार्ड जमीन है वहाँ पर हमें लगाना है इस पोजीशन के ऊपर। कारण क्या है इसका? पर रीजन क्या है कि जितनी हार्ड जमीन होगी तो रोटर को काटने के लिए तो ये मशीन को रोक के रखे साहब उतरा ही। अच्छा, हार्ड जमीन का ये रोक, ये सिरा रोक के रखता है ये नीचे, तो ये आगे रोटर आपको आगे बढ़ेगा। जब ये आपका, जब हमने ये लगाए नहीं तो रोटर तो ऊपर ऊपर ही चल जाएगा, कटाई नहीं करेगा। अच्छा, अब ये पोर्शन के अंदर ये किया जहाँ पर सैंडी सोल, मतलब ना तो ज्यादा ऐसी मिट्टी है, ना ज्यादा हार्ड है, ना ही ज्यादा सॉफ्ट है, उस कंडीशन के ऊपर हम इस कंडीशन में चाल मिल जाती है, चाल मिल जाती है। यही यही कंट्रोल करता है सर सारा पीछे से, ठीक है। अब जो अगर ज्यादा बालू है तो, ज्यादा बालू है तो देखो ये वाला जो कर्व है इसको आप उसको ऐसे करके उल्टा डालना है, नीचे से इसको डाल देंगे ये सिरा ऊपर रहेगा आपका। तो यानी कि जमीन में ज्यादा बैठेगा नहीं, ज्यादा बैठेगा नहीं जी बिल्कुल, चलता रहेगा। कई जगह ऐसा होता है जैसे अपने बीकानेर साइड का एरिया हो गया, हनुमानगढ़ एरिया हो गया, जहाँ पर बहुत सैंडी सोइल है, डेजर्ट एरिया हो गया, नहीं तो वहाँ पर मैंने ये देखा है या सुना है लोगों से जी कि जो बालू मिट्टी है वहाँ पर टिलर सक्सेस नहीं है। बिल्कुल जी जी, तो वास्तव में सक्सेस नहीं है या ये करने से कुछ उसमें चांस है? यही पोजीशन होता है वहाँ पर, करते क्या सर गलती यही हो करते, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जहाँ पर सब मैं मशीन देता हूँ तो मेरी कंपनी का बंदा वहाँ पर किसान के घर पे जाता है, तो हमारी इंडस्ट्रीज में एक इकलौता नाम आता है कि जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बेचा कंपनी के बंदे को घर पे बेचते हैं, तो वो जो बंदा जाता है उसका सर काम यही होता है कैसे इसकी फिटिंग करना है, रोटर फिटिंग करना हो गया, चलाना हो गया, क्या इसको डेप्थ स्टिक को कैसे सेट करना है, तो पूरा डेमोस्ट्रेशन दिखाने के बाद ही आता है सर। अच्छा, तो गलती क्या है किसान को, कई बार तो मैं देखता हूँ किसान ने ये लगा ही नहीं रखा होता कई जगह और मशीन तो फिर चलेगी नहीं साहब, तो इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। एक्चुअली ये खाली सहारा देने के लिए नहीं है, ये स्टैंड नहीं है, ये स्टैंड नहीं सहारे के लिए नहीं है, ये मेन है कि आपको डेप्थ को कंट्रोल करेगी, डेप्थ को कंट्रोल कितना कम ज्यादा करना है, स्पीड को भी कंट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल, ज्यादा भग रहा है इसका मतलब हमने ये कहीं ना कहीं उल्टा लगा रखा। बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है, और गहराई वगैरह। दूसरा इसका जो ये माप है, जी जी, इसका क्या है? अब माप का क्या होगा कि देखो जी, जितना हम नीचे की तरफ इसको रखेंगे इसकी गहराई उतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये उतना ही रोक के रखेगा, ठीक है। अब जितना ऊपर रहेंगे तो ये समझ लो आपने इसके अंदर तीन या दो होल ऊपर ही कर दिया, तो आपका एक इंची, दो इंची, ढाई इंची, जो वैसे हम आपको बताते ना भाई आपको कितनी खुदाई करेगा, तो आपको आठ इंची करवानी है, छह इंची करवानी है, पांच इंची, चार इंची, तो वो यहीं से आपको एडजस्ट करना होता है सब। जितना ऊपर रखेंगे उतना कम खोदेगा, जितना गहरा रखेंगे नीचे की तरफ उतनी ज्यादा खुदाई करेगा जी। दूसरा इसमें अटैचमेंट का क्या क्या ऑप्शन सर? देखो मेन अटैचमेंट जो इसमें काम आने वाला, जो मेन तो जो काम करता है वो करते हैं रोटावेटर, ठीक है। बाकी बहुत से लोग हैं, बहुत से अटैचमेंट दिखा देते हैं किसान भाइयों, वो एक पैसा एक ऐठने वाली बात होती है। मेन काम आएगा इसके अंदर रोटावेटर हो गया, स्प्रे पंप हो गया, मेन चीज तो ये हो गया, और एक मिट्टी चढ़ाने वाला हल हो गया। ये तीन ही चीज आप याद रखो कि यही सबसे ज्यादा काम में आने वाली है। बाकी मेरे किसान भाइयों को जरूरत हो तो आप इसमें ट्रॉली लगा सकते हो, जबकि ट्रॉली का कुछ ज्यादा महत्व इतना बड़ा होता नहीं, क्योंकि खेतों में कॉर्नर के अंदर कहीं पर गिर ना जाए, ट्रॉली थोड़ा सा ये ध्यान रखना। दूसरा ये है कि एक आपके हिसाब से, जी जी जर्नली आप डीलर हो वो ठीक है, जी 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 जी, लेकिन एक किसान को सबसे ज्यादा तो आजकल YouTube पे जिस भी चैनल पे देखो सब पे इन्हीं की एड चल रही है। बिल्कुल साहब बिल्कुल, और उसमें चीटिंग बाजी इतनी ज्यादा है कि लोग फोन तक नहीं उठाते किसानों का। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई मेरे को ये बता दो कि कौन कौन सी कंपनी है, क्योंकि आज जो हम वीडियो बना रहे हैं क्या पता वो कर्नाटक का किसान देख रहा हो, आंध्रा का हो, बिल्कुल, कश्मीर बिल्कुल, का हो, बिल्कुल सब, तो वहाँ जो आप कम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो क्या पता वो वहाँ एजेंसी ना हो। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल। वो कौन कौन कंपनियों पे एक अच्छा विश्वास करे किसान साथियों, हमेशा याद रखो आपको जो प्रोडक्ट लेना है, तो मैं आपको सजेशन दे देता हूँ, ये 350 साल पुराना हस्कोर्ना ग्रुप है जो KTM बाइक जिसको बनाती है, तो वर्ल्ड के टॉप ब्रांड के अंदर आता है। इसके अलावा
स्टील ग्रुप हो गया जो जर्मनी का प्रोडक्ट है, बहुत रफ एंड टफ है, प्यूबर्ट हो गया फ्रांस का हो गया, BCS हो गया इटली का ब्रांड हो गया, कप कैडेट हो गया US का हो गया, और इस्तिका हो गया ये अपना ओलियोमेक हो गया इटली के रेपुटेड ब्रांड के अंदर आता। तो ये चार पांच कंपनी है जो वर्ल्ड की, और टेक्सास हो गया जो डेनमार्क का ब्रांड हो गया, होंडा हो गया जो अपना होंडा, सर इसमें छोटे सेगमेंट के अंदर वो पावर वीडर को ज्यादा बनाता है। अच्छा। तो होंडा के प्रोडक्ट भी अच्छे हैं बट वो छोटे सेगमेंट बनाते हैं। अगर आपको हैवी टिलिंग करनी है तो ये मैंने जो आपको दो ही ऑप्शन है बस होंडा में, तो मैंने जो आपको ये पांच छह कंपनी बताई, किसान साथियों कहीं से भी खरीदो, इन्हीं कंपनियों के प्रोडक्ट लो, और बाकी जो जितने एड के ऊपर जो दिखाते साहब उनका कोई अता पता नहीं होता, वो अपने नाम को प्रमोट करते, उनके वेबसाइट में डेटा में साहब कहीं पर भी जाओगे उन पावर वीडर का कहीं पर कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगा। और इन कंपनियों के सर देखो यहाँ पर आप लोगों से जाएंगे, इनका पूरा चेक करो, ट्राई करो, टेस्ट करो, ये वर्ल्ड की रेपुटेड कंपनी है। मैंने आपको बताया सर KTM बाइक को ये बनाती है कंपनी, तो बहुत बड़ा ग्रुप है साहब ये। दूसरा भाई आप ये बताएं कि आपके हिसाब से जो इंडियन कंपनी है जी जी पावर टिलर में जी, वो कौन कौन सी एक अच्छी है, क्योंकि आपने इसमें सेल्स में काम किया पावर टिलर में, और आपने जैसा बताया कि मैं 15 साल किसी कंपनी इसी फील्ड के अंदर रहा हूं, एज ए ट्रेनर भी रहा हूं इसी फील्ड में। मेरे को ये बताओ इंडिया में कौन कौन सी इंडियन कंपनी है जी, मेक इन इंडिया, वो अच्छी कंपनी। देखो मैं आपको बताता हूँ साहब, आप जितनी मैंने कंपनी बताई जैसे हस्क्वर्ना ग्रुप हो गया, स्टील ग्रुप हो गया, डेनमार्क का टेक्सास ग्रुप हो गया, ये जो कंपनी होगी कप कैडेट ग्रुप, MTT ग्रुप हो गया, ये कंपनी डायरेक्ट अपने इंडिया के अंदर ही रजिस्टर्ड हो चुकी है। सारबी कंपनी जो जिनका मैंने नाम बताया, इनकी FMTTI टेस्टेड रिपोर्ट है, भारत सरकार द्वारा इनको टेस्ट रिपोर्ट का इनका दिया गया, और इन कंपनियों के हेड ऑफिस अब डायरेक्ट सर अपने इंडिया के अंदर ही है। तब ये मेक इन इंडिया के तहत जैसे इसके लिए डायरेक्ट असेंबली अब यहाँ पर इंडिया में स्टार्ट होगी, तो धीरे धीरे ये सारी कंपनी अपने यहाँ पर बेस बना चुकी है। नहीं नहीं वो आपने कहा ठीक है जी, लेकिन इनका जो मदर प्लांट है या इनके जो माता पिता है जिन्होंने इसको जन्म दिया है जी 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 जी, तो वो सभी बाहर की। बिल्कुल ठीक है, और ये अच्छी बात है कि बाहर से कंपनी जब इंडिया में आती है तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए अच्छे प्रोडक्ट देती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि कोई इंडिया की कौन कौन सी कंपनी है जो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। सर देखो इंडिया के अंदर अगर पावर टीलर सेगमेंट की मैं बात करूँ तो VST शक्ति हो गया जो टीलर सेगमेंट के अंदर, जिसके बड़े सेगमेंट के अंदर VST मित्सुबिशी का है, कोलोबरेशन के साथ है, बेंगलोर के अंदर है। तो पहले मैं काफी बार उस कंपनी के साथ में भी टच में रहा हूँ, काफी बार ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती थी तो मैं भी वहां पर जाता था, और अपना इसके किर्लोस्कर का हो गया, तो किर्लोस्कर भी इंडिया के अंदर कर रही है। बाकी अपना इसके अलावा एक कैमको कंपनी हो गया जो केरला का ब्रांड हो गया, ये बड़े सेगमेंट के टिलर बनाने की एक्सपर्टीज है इनके पास। पावर वीटर के अंदर ज्यादा नहीं है, ट्रैक्टर टाइप के टिलर, ट्रैक्टर टाइप के जो बड़े हो गए जो 14 horsepower 15 horsepower, वो बैक रोटरी के अंदर होते हैं जो स्पेशल पडलिंग करने के अंदर काम में आते हैं, और बाकी जो बैक रोटरी होती है मतलब वो फ्रंट रोटरी का उनके अंदर अभी कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं है। आप ये बताओ कि जैसे ये 8 HP का है जी, तो 8 HP का ये माइलेज क्या देगा? देखिए इसके अंदर पर घंटे का एवरेज हमेशा साथियों डिपेंड होता है कि आपका आपका वर्कलोड इसके ऊपर कैसा है। अमूमन इसकी जो इंडियन गवर्नमेंट टेस्ट रिपोर्ट के आधार के ऊपर इसका 850 से 900 ml है, बट मैं आपको कहता हूँ, सजेशन देता हूँ कि 1 liter 1 hour का इसका फ्यूल कंजप्शन रहने वाला है, 1 hour का 1 liter। दूसरा इसकी जो सर्विस है जी वो कितने घंटे में होती है, कैसे होती है, क्या कोई किसान इसको खरीद कर खुद कर सकता है सर्विस, या उसको मार्केट में मैकेनिक के पास या सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा? देखो क्योंकि ये मशीन इतनी आसान नहीं है कि उठाए और सर्विस सेंटर ले। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अनिल भाई साहब सबसे पहले मैं बताता हूँ, इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पर भी हम भी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते देश के किसी भी कोने में, मेरी ही कंपनी का बंदा जाता है वहां पर इसको फिटिंग करने के लिए। नहीं, वो और जब वहां पर जाएगा सर तो वो उसको एक एक चीज बता के आएगा, सर्विस कैसे करना है, कितने घंटे बाद में इंजन ऑयल चेंज करना है, गियर ऑयल कैसे चेंज करना है, एयर फिल्टर की सफाई कैसे करना, वो सारा का सारा ट्रेनिंग देगा सर। नहीं नहीं वो बात ठीक है जी, जो आप बता रहे हो आपने बता दिया कि जी मेरा बंदा जाएगा जी जी, अब जो बंदे ने पहले ही ले चुका है हाँ ठीक है, वो कैसे सर्विस करे? देखो सर्विस के अंदर मैं आपको यहीं से बताऊंगा, फ्रंट से ही फिर आपको मशीन प्रॉपर पूरा लेवल के अंदर होना चाहिए, यहाँ से आप खोलेंगे तो इसके अंदर करीब 1.2 लीटर इसके अंदर इंजन ऑयल डलेगा। इंजन ऑयल का ग्रेड बता देता हूँ, इंडियन कंडीशन का होता है 20W40। कंपनी आपको देखो सजेशन ले सकते हैं, 2-3 कंपनियां ले सकते हैं, जैसे मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, बाकी कंपनियां बहुत सी है, कैस्ट्रोल ले सकते हैं, सर्वो ले सकते हैं, सेल का ले सकते हैं, तो ये अच्छी रेपुटेड कंपनी है। तो उसका आप पेट्रोल इंजन ऑयल ही मांगना आपको वहाँ पर, वो मल्टीग्रेड वो अलग से नहीं सर, अब बोला भी हमें तो बाइक का सर्विस करना देसी भाषा में ये बोल देना, तो क्योंकि ये पेट्रोल इंजन ही अपना, तो यहाँ से आप अपना इंजन ऑयल चेंज होगा कितने घंटे बाद? पहला सर्विस आपको करना है इसका 20 घंटे के अंदर,
जैसे मशीन 20 घंटे चल जाए तो आपको इसको इंजन ऑयल चेंज करना है। घंटा कैसे मापना है? घंटा मापने का जैसे मैंने आपको देसी तरीका बताया भाई, एक घंटे में एक लीटर लेगा तो 20 लीटर पेट्रोल जैसे फूक जाए तो आप इसके अंदर अपना इंजन ऑयल को चेंज करना। साथियों इसका एक अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप इसका यूज करना स्टार्ट करें सर्विस के बाद या नया है तो एक डायरी मेंटेन कर ले छोटी सी, अपने लेबर को या खुद आप जितने लीटर इसमें डलाए उसमें आप टिक करते रहें। जब आपका 20 घंटा हो जाए पहली सर्विस, पहली 20 घंटे में, और दूसरी सर्विस और उसके बाद हर 50-50 घंटे के अंदर अपने को सर्विस करनी, यानी कि जब आपका 50 लीटर फूक जाए तब आपका सर्विस इसमें करना है। अब सर्विस में है क्या, यहाँ से तो 1.2 हमने इंजन ऑयल डाल दिया, उसके निकालना कहाँ से, निकालने का देखो यहाँ से सर फ्रंट की तरफ देखो यहाँ पर दिख रहा है कि नट दिया है, यहाँ से इसको खोल के पूरा नीचे कोई अपना ऐसा पोर्ट रख लेंगे जिसके अंदर से अपना सारा ड्रेन हो जाएगा, ऑयल निकल जाएगा। इसमें कोई फिल्टर वगैरह तो नहीं? नहीं इसके अंदर नहीं, कोई फिल्टर नहीं होता। ये निकलने के बाद के अंदर वापस इसको नट को कस देना, याद करके ऑयल डालना है, ऑयल डालना है, बिल्कुल जी ठीक है। गियर ऑयल, गियर ऑयल आपको करना 3 सर्विस के बाद में, करीब आपकी मशीन ये लगाओ 100 से 125 घंटे चल जाएगी, फिर आपको गियर ऑयल को चेंज करना है। तो इसके अंदर जो गियर ऑयल डलेगा आपका यहाँ से करीब ये 2.25 लीटर करीब इसमें गियर ऑयल आ जाएगा। और इसका निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर नीचे बोल्ट होता है, देखिए यहाँ पर नीचे इस जगह के ऊपर नीचे बॉटम के ऊपर होता है एक बोल्ट होता है, यहाँ से खुल के और फिर यहाँ से इसमें से निकल जाएगा। अच्छा, इसमें आएगा 2.2 लीटर, 2.2 लीटर इसके अंदर अपने गियर ऑयल डाल देंगे। और ऐसी कोई खास बात जो हमेशा याद रखने की, किसान भाइयों जब भी मशीन को यूज करो डेली अपने एयर फिल्टर पे विशेष ध्यान रखो। एयर फिल्टर मेंटेन आप कर लिया तो मैं आपको इतना अश्योरेंस देता हूँ ये मशीन आपकी 15 से 20 साल तक खराब होने वाली नहीं है। ये वो रेपुटेड, वो क्वालिटी, वो ब्रांड है ये प्रोडक्ट का, यही इसकी खासियत है। कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे, जितने मेरे अपने बागवानी के किसान भाई होंगे जो पौधों के साथ साथ गोल गोल अपने घुमाना है, सीधी जुताई करनी है, खेतों की जुताई करनी है, सब्जी वाले हो गए या फिर अपने कोई भी अपना सेगमेंट हो खेती का, सबके अंदर काम आने वाली है। भाई इसकी जो कीमत है जी जी वो क्या है साहब? देखो इस प्रोडक्ट की कीमत है वो 85,000 रुपये है। साथियों मार्केट के अंदर ये कि हल्के सस्ते कबाड़ भी मिलता है, बट ये प्रोडक्ट एक बार लोगे तो आप अड़ोसी पड़ोसी गांव के अंदर जहां पर भी लेके जाओगे आपको बंदे आके जरूर ये कह देंगे कोई आप चीज़ और कोई क्वालिटी लेके आयो। बाकी देखो कहते हैं साहब महंगा रोए एक बार और सर सस्ता रोए बार बार, तो क्वालिटी ऐसी कि बस अब देखो चीज़ का पैसा, साहब देखो ट्रैक्टर है, अब आप बड़ी सेगमेंट का ट्रैक्टर ले रहे हो एक छोटा सा ले रहे हो, दूसरा इसमें इसमें और क्या ऑप्शन है कि अगर भाई ये तो 8 HP का है जी जी, 8 HP की कैपेसिटी कितने एकड़ तक की है? देखो आराम से जो मेरे और किसान किस, भाई किस चीज में, एक तो बागवानी तो हो गया, बागवानी हो सब्जी गया, में सब्जी हो गया ठीक है। अगर कोई ये चाहता है कि मेरा एक किलायर में इसमें ट्रैक्टर का यूज ही ना करूं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कैसे करे? देखो ये जो आपकी रोटरी है, अब अपना सिंपल सा एक हिसाब बताता हूँ साहब। देखो मैं भी जमींदार किसान परिवार से ही हूँ, जो अपना नौका फ्रेम होता है जो लगता है वो 7 फीट एरिया एक साथ लेके चलता है, ये एक साथ के अंदर करीब 4 फीट के करीब लेके चलेगा, तो 2 राउंड लेंगे तो समझो अपना ट्रैक्टर इतनी जुताई इसने कर दिया। और इसके अंदर भी जो आपके रोटावेटर जुताई करते हैं वो 4 से 5 इंची तक करते हैं, तो इसके माध्यम से आप 7-8 इंची गहरी जुताई आराम से करते हैं। बाकी सब आपको डेमो के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं सर सारा ठीक है। इसके अंदर ये कितने एकड़ के लिए ठीक है अगर बागवानी है तो? बागवानी है जो मेरे किसान भाइयों के 8-10 एकड़ तक की जिनकी बागवानी है उनके लिए बहुत बेस्ट है। और सब्जी? सब्जी होगी तो 8-10 एकड़ तक की सब्जियों वाले होंगे। दूसरा इसके अंदर किसान भाइयों ये फ्रंट रोटरी नहीं है, ये मशीन बैक रोटरी में भी है, ये 2-in-1 मशीन है। अगर जो मेरे किसान दोनों ऑप्शन जो मेरे किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं, कपास की खेती कर रहे हैं या फिर जो बड़े उनका जैसे और बेलदार फसलें लगा रहे हैं तो इसमें बैक रोटरी भी लग जाती है, तो बैक रोटरी आपका 2.25 फीट हो गया, 18 इंची जैसा एडजस्टमेंट करना है तो एडजस्ट कर सकते हैं और इस मशीन को एक हाथ से चला सकते हैं। तो इसमें बैक रोटरी भी इसी मशीन के साथ में पीछे पीटीओ के अंदर यहाँ पर फिट हो जाती है। बैक रोटरी भी बैक रोटरी में ये स्मूथ चलती है और बहुत स्मूथ हो जाती है ना। बैक रोटरी अधिकतर जो मेरे गन्ने के किसान भाई हो गए या जो सब लाइन से जो फसलें कर रहे हैं तो उनके लिए बैक रोटरी की सबसे ज्यादा डिमांड होती है जी, और जो बागवानी में कर रहे हैं तो उनके लिए फ्रंट रोटरी की जरूरत है, खेती की जुताई कर रहे हैं तो उनके लिए भी फ्रंट रोटरी की जरूरत होती है। और ऐसा इसमें क्या वो ध्यान रखें कि इसमें स्टार्टिंग के दौरान ये क्लिच वायर वगैरह? देखो सर सिंपल सिंपल इसके अंदर क्या है, जब भी आप अपने को इसको यूज करना है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के ऊपर यहाँ पर इसको सेंटर में रखना है, एक मिनट के लिए इसको आइडल स्पीड पे रहने दो, कोई भी मशीन हो उसकी बूटिंग स्टार्ट यानी कि जो रेस है वो सेंटर में ना हाई ना लो। जब बाद के अंदर आपका 1 मिनट पूरी हो जाए फिर आप इसको पूरा हाई की तरफ कर देंगे जहां पर खरगोश बन रहा है इस तरफ में, फिर बाद के अंदर हम जैसे न्यूट्रल से
तो न्यूट्रल से पहले आपको जैसे फर्स्ट गियर में तो अपनी तरफ फर्स्ट गियर को खींचना है और इसको दबा के आप नीचे दबाएंगे, आपकी मशीन चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। सेफ्टी फीचर इसके अंदर ऐसा है, जहां पर आपका ये छुटेगा मशीन वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। इंजन चालू रहेगा, रोटर काम करना बंद करेंगे, ठीक है, फिर दोबारा से हम इसको ऐसे दबाएंगे तो अपना रोटर फिर चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद के अंदर जब इस मशीन को काम कर ले, स्टॉप करना है, वापिस से इसको आइडल स्पीड पर ही लेके आए और फिर बाद के अंदर यहाँ से ऑन ऑफ का बटन है, यहीं से खड़े खड़े आप अपने बंद कर सकते हैं। इसका क्या यूज है? इसका यूज मैं बताऊं, अब आपकी मशीन पहले आपको करना है न्यूट्रल के अंदर साथियों, ठीक है, न्यूट्रल के अंदर मशीन कर दिया, फिर आप इसको दबाएंगे। आपने जैसे इसको न्यूट्रल के अंदर पहले अभी न्यूट्रल कर लेते हैं, न्यूट्रल में किया तो देखो इसमें कट की आवाज आती है और फिर ये दबाने के बाद में मशीन आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आपकी मशीन बैक होना स्टार्ट हो जाएगी, बैक आ जाएगी, वापस पीछे आ जाएगी, ठीक है, छोड़ देंगे वहीं को ये रुक जाएगा सब। क्योंकि बैक जो ऑप्शन है वो इसलिए भी जरूरी है कि कितनी हैवी मशीन है, 100 साथियों इसके अंदर 130 केजी वेट है जी। तो इसको उठा के इधर उधर शिफ्ट करना तो आसान है नहीं, लेकिन बैक का गियर है बिल्कुल, तो इसके लिए देखो आगे खेत के अंदर ज्यादा चली जाए तो आप आराम से बैक ला सकते हैं। देखो एक और चीज मैं साहब अनिल भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, जिन मशीनों के जितने हैवी गियर बॉक्स होंगे और बाकी मशीनों से आपने और भी वीडियो में देखते होंगे यूट्यूब के माध्यम से, इनकी जो रोटरी है, जो रोटरी ये बाकी मशीनों से डबल से भी ज्यादा इनका साइज होता है। तो जितना हैवी गियर बॉक्स होगा, जितनी हैवी शाफ्ट होगी, जितना हैवी रोटर होगा, उतना ही खुदाई आराम से करेगा, मशीन के अंदर वाइब्रेशन नहीं होगा जी। साथियों जो इसका पूरी तरह जो रिव्यू है वो हम जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे बताएंगे, क्योंकि बात है कि अभी से ये नया प्रोडक्ट है, अभी से हम इसके बारे में बताएंगे लाजवाब है, बहुत बेहतरीन है, ये काम कर दिया, भैया यूज ही नहीं किया हमने तो। भाई साहब हैं, डीलर हैं, ये अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं जो हमने अभी खरीदा है, इन्होंने असेंबल वगैरह करके दे दिया है। अब जो मैन है हमारा फीडबैक, वो हम यूज जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हम लोगों को बता सकेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी होंडा का पावर टीलर है जो छोटा है, लेकिन हमारे पास काम अब ज़्यादा है नर्सरी में, तो हमने ये बड़ा यूज करने के लिए लिया है। तो अब भाई इसका ये अटैचमेंट कैसे होगा? अटैच करना कुलदीप जी आ जाओगे फ्रंट से। इसका सबसे पहले आप इसमें ये यहाँ पर आगे हैंडल लगा लें, ठीक और है। इसका लगाने के लिए कुलदीप पहले आप एक तरफ से उठाएंगे ऐसे, ये इसका टायर निकाल लें और इसका पिन लगा, पिन लगी होती है, हाँ पिन लगी होती है, ये आप ध्यान रखें, इसका ध्यान रखना है रोटर का, ये ब्लेड आगे की तरफ ध्यान होनी चाहिए इसकी, ये धार, हाँ धार ऐसे घूमता है, हाँ आगे की तरफ घूमेगा, उसी तरफ से हम जो सुराख है ये इसमें आ जाएगा और इसमें पहले वो लगा, ये पिन लग जाएगी, इसको उल्टा सुल्टा कैसे भी लगा सकते हैं ना? नहीं नहीं देखो इसको हमें से ध्यान रखना है कि ये जो पैनापन है ये हमेशा आपकी आगे की तरफ ही होना चाहिए, जैसे आप दूसरी मशीन के अंदर से देखेंगे, इसी के अंदर पिन लगा देंगे तो इसके अंदर देखो अभी ऐसे लगाएंगे तो नहीं लगेगा, ये गलत है, ऐसे लगाएंगे तो ये गलत होकर बन जाएगा, इसको वापस घुमा के, हाँ इसको ऐसे लगाएंगे, ये परफेक्ट है। दूसरा अगर हमारा जो एरिया है वो कम है, छोटा करना है जी जी, तो ये पिन जो निकाल के और ये हम रोटर को कम कर लेंगे, इतना कर लेंगे, तो ये भी आप अपना ऑप्शन ऑप्शन है तो वो आप कर सकते हैं। ये भी डाल देंगे, इसे लगा दो, ये वाली नहीं भाई, ये फिर है वही पर, ठीक है लॉक हो जाती है, अरे नहीं एक पे ना निकले है? पागल है, सारा पागल है, दो आदमी तीन आदमी करें स्टार्ट भाई साहब, हाँ रुक इधर पिन ना लगा दो। साथियों जब भी आप इसको चलाएं ये आपके बैठने के लिए नहीं है, ये आप ध्यान रखें, काफ़ी वीडियो में देखते हो कि इधर बैठ गए दो आदमी, उधर बैठ गए, इसके सर पे बैठ गए, अगर कोई कट जाएगा ना किसी दिन इसकी आट में आ जाएगा तो मर जाएगा, और वो वीडियो वाला और वो यूट्यूबर और वो बेचने वाला, ये तीनों धरे जाएंगे। बिल्कुल जी, कभी ऐसी गलती कभी नहीं करनी, इनको इतनी अकल होनी चाहिए कि किसी चीज का अगर डेमो ले रहे हैं, किसी के ऐड कर रहे हो कोई बात नहीं, आप ऐड खूब करो, 2 लाख लो, 10 लाख लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति को इसके सर पे बैठा के ऐड मत करो, ऐसा कुछ लालच मत दिखाओ कि देखो कितनी जान है, ये है वो है, भाई साहब ये मशीन है,
इसके मुंह में पेट्रोल डाल दो, जान का कोई आंकड़ा नहीं जितनी इसकी कैपेसिटी है, क्योंकि ये जब 6 इंच खोद सकती है ना एक ब्लेड और सारी होके, तो आप ये लगा लो आदमी का क्या बना सकती। तो कभी भी ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करना किसान साथियों, आपको भी ध्यान रखना है कि कभी ये सोचो कि यार ये ऐसे बैठ जाते हैं और भाई चला भाई इसकी क्षमता देखते हैं, क्षमता खुद की देख लोगे इसके नीचे आ गए तो, बाकी इसका डेमो दिखाई दे। हाइट का और ऊपर कर लो अगर हैंडल हुआ है तो, कितनी जमीन हो कचरा ज्यादा हो तब ये क्या कर पाएगा। अब तो ये ट्रैक्टर से भी ज्यादा काम कर रहा है गहराई वगैरह। बाकी आपको जो अच्छा लगे जिस कंपनी का आपके नजदीक डीलरशिप हो, अच्छी कंपनी हो, उसका आप ये पावर टिलर ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।